A very good morning, students. So today we'll continue our chapter, which is sources of funds, sources of finance. And now our today's topic is ploughing back of profit or retained earnings. Earlier हमने क्या पढ़ा बेटा? We have studied about the long-term sources of finance. जिसमें हमने क्या पढ़ा? Shares के बारे में, equity shares के बारे में, preference shares, debentures. And now ये ploughing back of profits and retained earnings are also long-term or medium-term source of finance जो company use करती है finance को gain करने के लिए, grab करने के लिए. Clear? Now what is ploughing back of profits or retained earnings? You can clearly see the definition here. It refers to that portion of the profit which is not distributed among the shareholders as the dividend but retained in the business for future, which means ye wo profit hai, it is a part of profit. That dividend is a part of profit which is distributed to the shareholders. Retained earning is also a part of profit, but is part ko profit ke is part ko beta डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है अमंग द शेयर होल्डर्स, बल्कि इसको क्या किया गया है? रिटेन. इट इज रिटेन्ड इन द कंपनी. व्हाई इट इज रिटेन्ड इन द कंपनी? एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर नीड्स. अगर इन फ्यूचर कंपनी को कोई नीड पड़ती है फाइनेंस की, और इसी वजह से इस फाइनेंस को, इस रिटेन अर्निंग्स को रिटेन किया जाता है इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर नीड्स. Clear? So it is a part of profit which is not distributed among the shareholders but retained in the business as a reserves. So now it is also called self-financing. इसको self-financing भी कहा जाता है. Why self-financing? Because इसमें कंपनी को कुछ भी इश्यू करना नहीं है, किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड नहीं करना है. कंपनी का जो खुद का ही प्रॉफिट है उसी को उसने रिटेन किया है अपने पास एज अ रिजर्व फॉर द फ्यूचर नीड्स. Now what are the advantages of ploughing back of profits? Number one advantage is cheapest source of finance. Clearly, क्योंकि इसमें कुछ भी सेल्फ फाइनेंसिंग कर रहा है, ठीक है, कंपनी यहाँ से कहीं भी बाहर से पैसा नहीं ले रही है, किसी को शेयर इशू करके पैसा नहीं ले रही है, किसी से डेप्ट नहीं ले रही है. इट इज क्लियरली सेल्फ फाइनेंसिंग इट सेल्फ. क्लियर? अपने आप को खुद से फाइनेंस कर रही है. कैसे फाइनेंस कर रही है? बाय रिटेनिंग द सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट फॉर रिजर्व. क्लियर? एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर. Now that is why it is a cheaper source of finance. कोई भी इसमें issuance cost नहीं लगेगी, कोई इसमें debt के लिए अगर हम लेते हैं हमें कोई interest नहीं pay करना है, we don't have to pay any kind of dividend. So it is a most cheapest source of finance. First advantage is this, and second advantage is safety from the trade cycle. Now what are the trade cycles? बेटा trade cycles are basically business cycles. Business हमेशा एक तरह नहीं चलता है, ठीक है, एक proper cycle होती है. Like हमारी human cycle है, हम इन्फेंसी से अडल्टहुड में आते हैं, टीनेज में आते हैं, अडल्टहुड में आते हैं. क्लियर? वैसा ही बिजनेस का भी एक ट्रेड साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल होता है. ग्रोथ आता है, फिर एक्सपेंशन आता है, देन एक डिक्लाइनिंग लेवल भी आता है, देन फिर स्लाइटली इंक्रीजिंग गेन रीग्रोथ लेवल आता है. तो इन बिजनेस साइकिल्स में, ट्रेड साइकिल्स में जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, वहाँ पे अगर कंपनी के पास खुद का सेल्फ फाइनेंस होगा, सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए कुछ उनके पास पहले से ही रिजर्व में पैसा होगा, तो इट इज़ वेरी एफिशिएंट और वेरी कन्वीनियंट फॉर द कंपनी कि उस फाइनेंस को यूज करके वो अपने अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस करें. क्लियर? सो इट प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम द ट्रेड साइकिल्स. बिजनेस साइकिल्स में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रिसेशन आता है, बूम आता है, जो भी ये साइकिल्स आते हैं, जो भी ये अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, तो कंपनी इजिली कॉप अप कर सकती है इन सिचुएशंस के साथ इफ़ दे हैव सम रिटेन अर्निंग्स. क्लियर? Then easy expansion of company. Also, if a company has lots of retained earnings, उसके पास रिजर्व में बहुत सारी earnings है, तो easily उस earning को use कर सकती है for the expansion. Clear? So easy expansion of company. Then increase in the value of shares. It is also important. Company retain करके रखती है अपने पास some पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजर्व. क्लियर? जिससे क्या होता है बेटा, उनके रिजर्व में, कंपनी के रिजर्व में हमेशा बैलेंस क्या होता है, ज्यादा शो होता है, क्योंकि उसमें पैसा है. क्लियर? एंड दैट अमाउंट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द कंपनी.
कंपनी की कैपिटल इंक्रीज करती है उस अमाउंट से, जिससे क्या होता है वैल्यू शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज रहती है, बिकॉज वी कैन सी कि कंपनी के पास काफ़ी सफिशियंट फंड है उसको यूज़ करने के लिए। कंपनी उस सफिशियंट फंड को यूज़ करके क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, एक्सपेंशन कर सकती है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है। क्लियर? सो इट बेसिकली रिटेन अर्निंग्स और रिजर्व इन द फंड्स ऑफ द कंपनी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नाउ देन इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन इफ ए कंपनी हैज सफिशियंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी इन देयर रिजर्व्स, ये हमेशा इसकी कैपिटल भी में से पूंजी, कंपनी की पूंजी, कंपनी के पास कितना पैसा है, कितनी कैपिटल है, वो इंक्रीज करेगा, उसकी कैपिटल फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी अगर उस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स हैं, उसके पास रिजर्व्स हैं फॉर द फ्यूचर नीड्स। सो बेटा दिस इज योर प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और रिटेन अर्निंग्स, विच इज मे बी मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स। कंपनीज को किसी भी मीडियम से यूज कर सकती है एज अ सोर्स ऑफ फंड्स। क्लियर? सो प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स सिमिलर बेसिकली यूज ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, उसको यूज करना, दैट इज नोन एज प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सो रिटेन अर्निंग्स, रिटेनिंग द amount of portion of profit for the future need is in retained earnings. So beta, other source of finance is public deposit. It is the medium or short term source of finance which company use to grab finance. Clear? Now what are the public deposits? You can see the definition here. It refers to deposits which are raised by the company directly from the public, which means these are those money or those finance which is raised by the company directly from the public. Public से वो पैसा क्या करते हैं, raise करते हैं as a deposit, which means public अपना पैसा company में as a deposit रखती है, and in return what company provide to that public, they provide इंटरेस्ट रेट। ना क्वेश्चन अराइजेज कि अगर पब्लिक ने डिपॉजिट ही पैसा रखना है तो वो तो बैंक में भी रख सकते हैं, व्हाई दे आर प्रेफरिंग द कंपनी ओवर द बैंक्स। क्लियर? द आंसर इज दैट बेटा बेसिकली इन द कंपनी व्हिच हु अप्रोचेज द पब्लिक डिपॉजिट सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो क्या करती हैं, दे प्रोवाइड हायर इंटरेस्ट रेट टू द पब्लिक देन द बैंक आर गिविंग टू द नॉर्मल पब्लिक। क्लियर? बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है इनका जनरली, इसी वजह से पब्लिक प्रेफर करती है फॉर दैट हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट कि वो पब्लिक डिपॉजिट अपना डिपॉजिट्स कहाँ पे रखें, कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में। सो रेफर्स टू द डिपॉजिट विच आर रेज्ड बाय द कंपनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक एंड द इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली हाई इन पब्लिक डिपॉजिट्स। क्लियर? नाउ पब्लिक डिपॉजिट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। हर कंपनी, हर इंडस्ट्री का अपना ही एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है जो वो अडॉप्ट करते हैं। क्लियर? सो दीज आर द पब्लिक डिपॉजिट आर द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का पब्लिक डिपॉजिट, जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स क्या करती हैं, पब्लिक से एज अ डिपॉजिट फंड रेज करती हैं एंड रिटर्न उनको क्या प्रोवाइड करती हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, फर्स्ट advantage is it is a easy method of grabbing finance from the public. Clear? It is a easy method for any company to grab finance from the public because yahan pe unko kuch bhi issue nahi karna hai. Clear? Koi bhi formality nahi karni hai. क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक इश्यूंस कॉस्ट लगेगी उनको इशू करना है, लाइक शेयर्स इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स, ऐसा कुछ नहीं है। दे जस्ट हैव टू मेक सम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक और इन रिटर्न वो क्या देते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट देते हैं। देन सेकेंड थिंग इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज। क्लियर? लाइक इन डिबेंचर्स कंपनी को कोई मॉर्गेज नहीं देना होता है, बट एक्सेप्शनल केस है उसका सिक्योर डिबेंचर्स, अगर सिक्योर डिबेंचर्स है तो उनको मॉर्गेज देना पड़ता है, अदरवाइज इन शेयर्स और इन डिबेंचर्स नो नीड ऑफ मॉर्गेज। क्लियर? एंड सिमिलरली इन पब्लिक डिपॉजिट कोई भी मॉर्गेज देने की जरूरत नहीं होती, कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? सेकेंड थिंग इज नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पब्लिक डिपॉजिट्स में जो पब्लिक जिन्होंने अपना पैसा एज अ डिपॉजिट रखवाया है कंपनी में, उनके पास कोई राइट नहीं होता टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट बिकॉज दे आर जनरली क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, लाइक द डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? एंड फोर्थ वन इज हायर इंटरेस्ट रेट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स टू द इन्वेस्टर्स, दैट कि उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है और ये कंपनी को
कंपनी से हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है इन्वेस्टर्स को जो भी अपना पब्लिक डिपॉजिट्स यहाँ पे कंपनी में डिपॉजिट्स रखवाते हैं उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एज सोर्स ऑफ फाइनेंस. क्लियर? दीज टू बोथ आर दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ठीक है, कैन बी यूज एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और मीडियम टर्म ऑफ फाइनेंस. क्लियर? सो फॉर टूडेज दैट्स इट. थैंक यू.